नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा लॉन्च की गई राजस्थान मिशन 2030 योजना के बारे में। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात न करते हुए अगर हम दूरगामी सोच से उनके परिप्रेक्ष्य को समझते हुए इस योजना को समझे, उनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं और किस प्रकार से एक अच्छे प्रदेश की नींव रखी जा सकती है, किस प्रकार से आगे की योजना तैयार की जा सकती है, एक बार लघु फिल्म देखकर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुँचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं, राजस्थान मिशन 2030, जिसके तहत प्रदेश की प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाई जाएगी, जिससे 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, नंबर एक राज्य बनेगा। मगर ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, सभी विभागीय कर्मचारियों और आमजन की मदद, सलाह और सुझाव के बिना संभव नहीं है। हमें मिलकर राजस्थान मिशन 2030 के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। हर अनिवार्य क्षेत्र के लिए मानक या स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने होंगे। साथ ही इन मानकों में तय लक्ष्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, इसकी कार्य योजना पर गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार है। नंबर एक, विकसित राजस्थान 2030 नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर सभी विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव समाहित किए जाएंगे। नंबर दो, डॉक्यूमेंट तैयार करने और लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के सदस्य और आम जन सभी अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। नंबर तीन, विभिन्न विभागों के इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। मिशन के तहत विभागीय स्तर पर संबंधित विशेषज्ञ और आम जन के साथ राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श किया जाएगा। नंबर चार, इस मिशन में आम जन की भागीदारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए लोगों के घर घर जाकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेशवासी भविष्य में अपनी तरक्की को किस दृष्टि से देखते हैं और वे राजस्थान को वर्ष 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इस संबंध में उनकी राय मांगी जाएगी। नंबर पांच, प्रदेश के कुछ हिस्सों में IVR सर्वे भी किए जाएंगे, जहां लोगों से अपेक्षाएं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए आम जन से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने और निशुल्क सर्वे में भाग लेने के लिए निवेदन किया जाएगा। नंबर छह, युवाओं को राजस्थान मिशन 2030 से जोड़ने और भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के समस्त स्कूलों और कॉलेजों में राजस्थान मिशन 2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नंबर सात, राजस्थान मिशन 2030 अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट संचालित किया जाएगा। आम जन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। नंबर आठ, माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न हितधारकों और प्रभावशाली समूहों जैसे जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स आदि के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। नंबर नौ, सभी विभागों द्वारा विभागीय मिशन 2030 दस्तावेज, डिपार्टमेंटल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नंबर 10, पहले विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा और फिर राज्य का राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस तरह सभी पहलुओं पर गौर कर सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों और आम जन की सलाह पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी और फिर क्रियान्वयन का कार्य आरंभ होगा।
हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। मिशन 2030 अभियान की वेबसाइट हमने लॉन्च की और इस पर ऑनलाइन पूरे प्रदेश की आवाम से हम सुझाव इकट्ठा करेंगे और विजन 2030 तैयार कर एक दस्तावेज इसके लिए तैयार। जैसा कि हम सबने देखा कि किस प्रकार से इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा, राजस्थान मिशन 2030 प्रगति की गति अब 10 गुना। आप देख रहे हैं कि हर घर जाकर इसका सुझाव लिया जाएगा, साथ ही साथ में आप मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उन सुझावों को भी नोट किया जाएगा। साथ ही साथ में आपने देखा कि इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की गई, www.mission2030.rajasthan.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। सितंबर माह के अंत के सप्ताह तक इस पर कार्य प्रगति से चल जाएगा और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को लागू करने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि हर उपखंड स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, उन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से बनाया जा सके, उन आवश्यकताओं का दूर नहीं जाना पड़े, उन आवश्यकताओं को नजदीक स्तर पर लाया जा सकते हैं। और साथ ही साथ में एक मॉडल डेवलप किया जाए, पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश का मॉडल डेवलप किया जाए, जिससे 2030 के अंदर राजस्थान पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस छवि बना सके। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये जो मॉडल है वो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की सोच रखता है। आपके जो सुझाव है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, तकनीकी से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो, आप ट्विटर हैंडल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक अकाउंट्स के माध्यम से आप सुझाव अपलोड कर सकते हो। आपके जो सुझाव होंगे वो आगे नोट किए जाएंगे और एक महीने के अंदर जिसका बेस्ट सुझाव होगा, बेस्ट 3 सुझाव को इनाम भी दिया जाएगा। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा, पर जो भी 3 बेस्ट सुझाव होंगे उनको इनाम दिया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो आप इस अभियान से जुड़ें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर एक अच्छे राजस्थान के निर्माण के लिए आप सोच रखें और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।